अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। दोस्तों की हाल चाल, उम्मीद करने सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सब ने अपने ईमान च रखे, तो उम्मीद करने सब ठीक ठाक होंगे। तो अज ना मैं आया इमनाबाद, इमनाबाद के करीब एक गांव है, उसे शौक किया, बड़ा ही मजा आया परिंदे देख के। तो मेरी कोशिश होंगी कि अच्छे परिंदे दोस्तों ने शौक कराइए, अच्छे परिंदे को इंसान बड़ा कुछ सीखता है और काफ़ी कुछ इंसान देखता है कि इन्होंने की क्वालिटी है और अच्छे कबूतर की क्वालिटी होंगी है। उस तो पहले मैं दोस्तों का तारुफ कराना है जी, राणा नईम साहब ने इन्हों का डेरा है। वालेकुम सलाम राणा साहब, की हाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। राणा साहब की गांव का नाम जी अपना? चढ़ियाला खलां जी, नज़ मोड इमनाबाद जीटी रोड। माशाल्लाह जी, इन्हों के दोस्त ने जी। वालेकुम सलाम जनाब, की हाल? ये शिवाज साहब ने जी फैसलाबाद तो तशरीफ लिया ने, साढ़े बड़े प्यारे दोस्त मलक तनवीर साहब। वालेकुम सलाम तनवीर साहब, की हाल? ठीक ठाक हो? सेहत भी ठीक है। एक बड़े प्यारे दोस्त ने जी। वालेकुम असलाम वरहमतुल्ला। सदीक साहब बड़े अच्छे इंसान ने जी, बड़े नफीस इंसान ने, इन्होंने मिलकर बड़ा मज़ा आया और बड़ी अच्छी गुफ्तगु भी हुई इन्होंने नाल। और इन्हों की एक बड़ी अच्छी खासियत जी मैं दोस्तों दसागा कि इन्होंने बड़े अच्छे कबूतर बना के दोस्तों गिफ्ट किए हैं ताकि शौक करो, अच्छा शौक करके दिखाओ। और बड़ी वड्डी खासियत होंगी, बड़े दिल गुरदे का काम होंगे, अच्छे परिंदे बना के दोस्तों ने गिफ्ट करने और उन्होंने शौक करवाना, यह हर इंसान के क्वालिटी नहीं होंगी, तो यह बहुत बड़ी बड़ी वड्डी गल है जी मेरे नज़दीक। तो नाल मेरे मौजूद ने जी उस्ताद शिवाज साहब, मेरे वड्डे भाई ने। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम असलाम जी। लो दोस्तों तुम शौक कराने, इंशाल्लाह उम्मीद है कि तुम बड़ा मजा आएगा। तो तनवीर साहब तुम जरा कैमरे से हो, हाथ थोड़ा थले रखो, हाँ जो कैमरे जी कमगर मादी है। सब तो पहले तुम दुम दिखाने, देखो कैसी बिल्कुल बरीक पेंसिल वर्गी दुम है जी, बहुत शानदार। और यदि परतीली भी लाजवाब है, यानी इन्नी क पसंद आई है मादी। मैं राणा साहब नू कह रहा था जी तुम जोड़ा लाना है, और जोड़ा ला के दो बच्चे पहले मैनू तुसी देने ने। देखो ये परतीली कैसी है, बहुत शानदार तीली की मालक है। कट ऐसे बगल भी बहुत वाला है, देखो बगल का चढ़ा है, देखो कितना ज्यादा पर खोले है, लेकिन फिर भी एयर गैप नहीं बन रहा है। कबूतरी की अख और एडी रेशम मुलायम, और हड्डी की शेप बड़ी अच्छी है। ब्रीडिंग ब्रीडर मादी है, जिसे तो जिन्हें मर्जी परिंदे बना लो, ऐसे कबूतर को अगर बंदे को मौजूद हों तो इंशाल्लाह सारी जिंदगी कबूतर नहीं खत्म होते। इस मादी का पंजा जी, पंजा भी बहुत लाजवाब है, हाई क्लास मादी है जी। देखो बड़ी जत की भरी पई है, गर्दन भी नजर आती है, बहुत रेशमी जत्थल मादी है, सुपर कबूतरी। और अकल की भी इंतहा है, देखो ना अख की ग्रिप कैसी जबरदस्त है, और डायल बड़ा जबरदस्त है अख का ना, अख उभरी है। यह कबूतरे बच्चे भी इंशाला जाया नहीं करेगी, और नस्ल दर नस्ल चलाना कबूतरी है। लो जी, यह नर पसंद आया बहुत ज्यादा, यह ना लगवाया, ये देखो ना तीन पर कट्टे से, बड़ा पसंद आया राणा साहब का कबूतर, हाई क्लास कबूतर है। यदि दम तुम देखो, और मैं फरमायश की राणा साहब अगे, मैं जी इस जोड़े देना दो बच्चे तुम मैं जरा ना गिफ्ट करने ने, बहुत पसंद आया जोड़ा। एक मगर कबूतर है, बस बेसिकली बने डब वाले कबूतर च होने, तो बहुत शानदार ने। देखो जी अख का पिन पॉइंट भी बड़ा जबरदस्त है, अख की चमक बड़ी शानदार है, हाई क्लास कबूतर है, दुम भी यदि बहुत बेहतरीन है। इस कबूतर का पंजा दस नंबर नरमा दी कड़ी पाई इन्होंने, ताकि जोड़ा लगाना है, कलर एदा खूबसूरत भी और क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इस कबूतर। यह गोल्डन कबूतर है, यदि इन्होंने को पुराने कबूतर ने गोल्डन, इन्होंने की गदरे कहते जी नहीं, या दूसरे गोल्डन ने गोल्डन है। देखो यदि लंबी गर्दन वाले, तीली देखो कैसी बरीक और चिपटी है, स्कूतर की हाई लेवल कबूतर है। और यदि दुम इस तरह जिस तरह धागे ना बनी है, बहुत शानदार दुम है। यदि अखे कबूतर की गोल्डन कबूतर है, और हाई लेवल का कबूतर है, यह भी ऐसी क्वालिटी वाला कबूतर है कि जिन्हें मर्जी परिंदे दे जो बना लो, बड़ा मजा आया परिंदे देख के। असल कबूतरबाज ना अच्छा कबूतर आई है इन्होंने हाथ से,
तो उसका शौक पूरा हो जाता। असल मकसद होता कि अच्छे कबूतर देखना। तो बड़ी क्वालिटी वाला कबूतर है, कलरफुल भी है और उस अलावा अच्छा भी है। जब खूबसूरती के नाल क्वालिटी आई है फिर तो सोने से सुहागा हो जाता। मादी है जी, ये भी सलारी मादी है, बड़ी शानदार मादी है। यह जोड़ा लाया जी, ਇਹਦੀ ਪਰਦੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੌਫਟ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੈਂਡੇ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲਓ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਲਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣਨਗੇ। ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਉਡਾ ਲਓ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉੱਡਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਡੱਬ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਕੈਸੀ ਦੁੰਮ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਵੀ। ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਲਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ। ਹੁਣ ਹੈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰੇ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਗਦਰੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੱਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗਦਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੀ ਬਗਲ ਕੈਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬੜਾ ਹੈਵੀ ਬਗਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਤੀਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾ, ਬੜੀ ਆਲਾ ਬਨਾਵਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜੱਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਐਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਹੈ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ, ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਦੀ ਜੇ। ਇਹਨਾ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਕਬੂਤਰ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਦੀ ਐਸੀ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੂਨ ਹੱਡੀ ਦੀ ਮਾਦੀ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਸ਼ਤੀ ਹੱਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਦੀ ਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਥੱਲੇ ਗੁਲਾਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਮਾਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭਤੀਜੀ, ਭਤੀਜੀ ਉਹਦੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਬੂਤਰੀ ਡੱਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਜੀ। ਭਨੇਵੀਂ ਭਨੇਵੀਂ ਸਰ।